सीएम केजरीवाल के बाद दिल्ली बीजेपी ने भी की मेट्रो चलाने की मांग। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,898 नए मामले आए सामने, एक्टिव केसों की संख्या हुई 51,317। सोनिया गांधी के साथ बैठक में सीएम अमरिंदर ने दी सलाह, पीएम मोदी के सामने उठाए जीएसटी का मामला। मुख्यमंत्रियों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा, पहले हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लड़ना है। जेईई नीट परीक्षा पर बोली ममता, हमारे छात्र बुद्धिमान हैं, टैलेंटेड हैं, पर परीक्षा में बैठेंगे कैसे, सभी सेक्टर प्रभावित हैं, हालात बद से बदतर हैं, पैसा कहां से आएगा। सोनिया गांधी ने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चिंताजनक है, जेईई नीट को लेकर छात्रों में है चिंता। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 5,206 नए मामले आए सामने, एक्टिव केसों की संख्या हुई 1,352। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,163 नए मामले आए सामने, कुल आंकड़ा हुआ 21,814। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, कुछ मामले बढ़ रहे हैं, टेस्ट की संख्या दोगुनी होगी, कोरोना की रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। आपको बता दें कि अगस्त में डेथ रेट हुई 1.4%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के भीलवाड़ा और भरतपुर में मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। दिल्ली में एनडीएमसी बिल्डिंग के 11वें माले से कूदी महिला, मौके पर हुई मौत। नोएडा में भ्रष्टाचार से लिप्त दरोगा विपिन राय को डीएसपी राजेश एस ने किया सस्पेंड। मथुरा के जवाहर बाग घटना की जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 122 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव, आपको बता दें कि 2 की हो चुकी है मौत। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा में तैनात हुई सीआईएसएफ। दिल्ली में एनईईटी जेईई परीक्षा स्थगित कराने के लिए एनएसयूआई नेताओं ने की भूख हड़ताल। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हुए कोरोना संक्रमित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में सुधार नहीं, वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा इलाज। लखनऊ में हजरतगंज दरुला शफा के विधायक निवासी की दीवारों पर लगाया गया विवादित पोस्टर।